हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंसेज को कंप्लीट कर दिया था विद एग्जांपल्स। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज या प्रश्नवाचक वाक्यों को स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आइडेंटिफिकेशन वगैरह आप सब पढ़े हुए हैं आपके, आपको पता है कि ये वर्ड हिंदी वाले वाक्य की वर्ब के अंत में आएंगे तो वो जो सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आप बहुत ही इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन क्रिएट कर सकते हैं यदि आपको कुछ चीज़ों का पता हो। जैसे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इंग्लिश वाला, उसमें स्टार्टिंग जो है सेंटेंस की वो दो वर्ड से हो सकती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है। पहला, हेल्पिंग वर्ब से। अब स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी तो सबसे पहले फॉर्मूले में हम वही लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में उस सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट। ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। फॉर्मूला बनाना या फॉर्मूला लिखना या फॉर्मूला याद करना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्लियर। उसके बाद में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलावा यदि उस सेंटेंस में और कोई वर्ड है तो वो लिखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में, और यदि नहीं है तो सबसे एंड में लगाते हैं अपन इंट्रोगेटिव साइन। क्लियर, क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला जिसकी स्टार्टिंग किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा, जो दूसरा हमारा फॉर्मूला होगा जिससे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उसकी स्टार्टिंग होती है WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो सेम ही है, मतलब सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आईएनजी जो है वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड किया जाता है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया था। हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस में यूज होता है, ये आपको मैंने बताया ही है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा एक सेंटेंस, एक सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा, ये भी आपको पता है। अब इन दो प्रकार, क्योंकि हम बाकी जो दूसरे सेंटेंसेज जैसे अभी अफर्मेटिव देखे फिर उसके बाद में नेगेटिव देखे, सब में एक एक फॉर्मूला है लेकिन इसमें दो हैं। अब दोनों का यूज कैसे करना है ये भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए। ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और केवल इसी प्रकार के सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर। ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्या से है, केवल उस सेंटेंस के लिए या ऐसे सेंटेंसेज के लिए ही हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, बाकी और किसी प्रकार के सेंटेंस में इसका यूज नहीं होगा। फिर इसका कौन से प्रकार में, ये क्या आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के बीच में? अब यदि ये क्या वर्ड जो है वो किसी हिंदी के सेंटेंस के बीच में आता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब एक ही वर्ड के लिए दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, क्या क्या, लेकिन केवल प्लेस को चेंज होने पर, इन दोनों का जो प्लेस है सेंटेंस में वो दोनों में चेंज है, ये चेंज होते ही फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। इस सेंटेंस में जिसकी स्टार्टिंग क्या से है, इसके अंदर हमें वाट जो वर्ड है WH वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है इसका यूज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस है इसके बीच में जो क्या है इसके अंदर हमें वाट का यूज करना
पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों फॉर्मूलों को इस तरह से यूज करना है। ये फॉर्मूला केवल इस तरह के सेंटेंसेज में काम आएगा, ये फॉर्मूला बाकी सभी के अंदर काम में आने वाला है। तो ये फॉर्मूला केवल इस सेंटेंस के लिए ही बनाया गया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में हो सकता है या दिया जाता है, उनके लिए ये फॉर्मूला और बाकी सभी के लिए डब्ल्यू एच वर्ड वाला या जो सेकंड फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं। चलिए रूल्स देख लेते हैं। रूल्स सेम वही हैं जो हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेज में देखने को मिले थे, जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करने वाले रूल्स थे, ई को हटाना, आई ई को हटाकर वाई लगाकर आईएनजी जोड़ना, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले सिंगल वोवल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ना, सिंग मोर देन सिंगल वोवल हो तो विदाउट डबलिंग द कॉन्सोनेंट आईएनजी ऐड करना। तो वो सारे रूल्स सेम ही हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। अलग क्या है इसका? अलग रूल ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी उन दोनों प्रकार नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाद में लिखी जाती थी, इसमें और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी। क्लियर? चलिए एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। एग्जांपल पहला है हमारा, क्या वे पढ़ रहे हैं? अब वो पढ़ रहे हैं तो इसके लिए क्या से हिंदी का वाक्य शुरू हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। सब्जेक्ट हमारे पास में है दे, एंड अकॉर्डिंग टू दे वी यूज आर हेल्पिंग वर्ब। इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो इज, एम और आर। तो तीनों में से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? आर। उस सब्जेक्ट के बाद में हमें लिखना है आईएनजी फॉर्म, तो पढ़ने को अपन कहते हैं रीड। लास्ट में कॉन्सोनेंट वोवल, वोवल मतलब मोर देन वन वोवल है कॉन्सोनेंट से पहले, तो हमें कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है, केवल क्या करना है डायरेक्टली आईएनजी ऐड करना। क्लियर? उसके बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हमें डायरेक्टली क्या करना है इंट्रोगेटिव साइन का यूज करना है। क्या आपका सेंटेंस हो गया आर दे रीडिंग, क्या वे पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट, वे क्या पढ़ रहे हैं? अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, आंसर के अंदर वर्णन करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट या क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम सेकेंड वाले फॉर्मूले से ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड हमारे पास में क्या है? वाट। तो हमने लिख दिया वाट। अब बाकी का जो प्रोसेस है वो बस अब सेम रहेगा ऊपर वाले के। हेल्पिंग वर्ड वो की वही आनी है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो वही सेम है ऊपर वाले सेंटेंस में जो था वही आर, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में दे सब्जेक्ट है, और हेल्प जो मैन वर्ब है वो रेडी है, तो उसके अंदर हमें डायरेक्टली आईएनजी जोड़ना है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में रखना। तो दोनों के ट्रांसलेशन में क्या अंतर हुआ? केवल इस डब्ल्यू एच वर्ड का अंतर है, इसमें ये है इसमें ये नहीं है। दोनों का आंसर भी इसका यस या नो से मिल सकता है और इसका हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेगा। ओके, थर्ड वन, तुम क्यों नाच रहे हो? डब्ल्यू एच वर्ड क्यों, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। उसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी आर। फिर उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है तो इसका सब्जेक्ट है यू। उसके बाद में हमें लिखनी है मैन वर्ब, नाचने को हम कहते हैं डांस। अब एंड में ई है तो ई को हमें रिमूव करना है, ये लीजिए कर दिया, हमारे हाथ में ही तो है। फिर इसके अंदर क्या जोड़ना है? आई एन जी। ऑब्जेक्ट है नहीं कि सालसा नाच रहे हो या भंगड़ा क्यों नाच रहे हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमारा सेंटेंस हो गया है एंड और हमने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू डांसिंग, तुम क्यों नाच रहे हो? ओके, क्लियर? लाउडली
क्लियर। फोर, वह कहाँ जा रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वेहर। उसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, वह दो होते हैं ही और शी, उसका पता कैसे चलेगा इससे, रहा है इसका मतलब है ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज, वेयर इज ही, जानने को अपन क्या कहते हैं, गो, और इसके अंदर हमें क्या जोड़ना है, आई एन जी डायरेक्टली जुड़ेगा, और उसके बाद में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट, तुम क्या कर रहे हो। अब क्या फिर से एक बार सेंटेंस के बीच में है, तो हम लिखेंगे व्हाट, तुम के साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी आर, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम, करने को अपन कहते हैं डू, उसमें आई एन जी हमें डायरेक्ट ऐड करना है, क्योंकि वो पांच रूल्स जो आई एन जी ऐड करने के थे उनमें से कोई सा भी इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट ही आई एन जी जोड़ना है। व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क, क्लियर, एनी डाउट, ओके। सिक्स्थ, हम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वाई, उसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हम का अर्थ होता है वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर, तो वाई आर वी, ठीक है, पढ़ने को कहते हैं रीड, कॉन्सोनेंट वोवल एंड वोवल कंटिन्यूसली मोर देन वन वोवल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे ही आई एन जी ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वाई आर वी रीडिंग इंग्लिश। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप डूइंग एक्सरसाइजेज एंड बी एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, ओके गाइज, बाय, टेक केयर, बट डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, थैंक यू।